दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा, हम थे श्री विश्वनाथ मंदिर, वहाँ के हमने दर्शन किए थे, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में है और बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं। इसे रामनगर किला कहा जाता है, ये रामनगर में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताते हैं, अंदर का भी बताएंगे और एक बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पर पीछे, उसके भी दर्शन करवाएंगे। इतिहास बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो राजा है वो अभी इसी किले में रहते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं रामनगर के किले में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री प्रवेश द्वार रामनगर, जो कि काशी में स्थित है। पीछे देख सकते हैं आप, अंदर जाने का रास्ता है ये। यहाँ पे दो तोप रखी हुई है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको बताते हैं यहाँ का इतिहास और यहाँ के पूरे बारे में जानकारी। यहाँ का समय है प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और देख सकते हैं यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है बहुत बड़ा। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ बाहर का दृश्य है कुछ इस प्रकार का। दोस्तों इस किले का निर्माण सन 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार में जैसे ही आप अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड में टिकट घर मिलता है। दोस्तों यहाँ पे 75 रुपये प्रति व्यक्ति लगते हैं और जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनका 200 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये आंगन, इस तरीके के यहाँ पे 7 आंगन हैं और इस किले में 1010 कमरे हैं और मुख्य प्रवेश द्वार 4 है। दोस्तों यहाँ पे आप केवल बाहर वाले एरिया में ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जहाँ पे म्यूज़ियम है वहाँ पर आपको फ़ोटो नहीं खींचने देते हैं। दोस्तों म्यूज़ियम में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को सहेज कर रखा गया है, जिसमें राजा रानी के इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो उनके बर्तन हो, उनकी गाड़ियाँ हो, तलवार, बंदूकें, कपड़े और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रोज़ इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर सहेज कर रखी हुई है। दोस्तों इस पतले से रास्ते से आपको पीछे की साइड जाना होता है, जहाँ पर गंगा नदी है, एक मंदिर है बहुत ही अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कश्यप मरणम मुक्ति। इसका मतलब ये होता है कि काशी में यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों इस किले का निर्माण सन 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। दोस्तों हम जिस गलियारे से आए हैं, बारिश के समय उस गलियारे तक नदी का पानी आ जाता है और वहाँ पे अलग अलग समय का लिखा हुआ है कि इस लेवल तक वहाँ पे पानी आ गया था। तो आप आते हैं तो यहाँ पे देख के आइए, और ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर है यहाँ पे बहुत ही अच्छा। दोस्तों वर्तमान समय में इस किले के राजा डॉक्टर अनंत नारायण जी है, जो कि काशी नरेश भी कहलाते हैं और वो यहीं पर रहते हैं। दोस्तों ये यहाँ के दर्शन थे। दोस्तों ये रामेश्वरम मंदिर है और आगे एक व्यास मंदिर भी है, तो उधर भी चलते और बताते, और पीछे गंगा माता है। बहुत ही साफ स्वच्छ जल है, यहाँ पे घाट भी है लेकिन घाट पे जाने का रास्ता इधर से नहीं है। वो जहाँ तक देखेंगे आपको पानी पानी बिल्कुल साफ पानी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहता हुआ पानी है। दोस्तों यहाँ पे गंगा जी का एक अलग ही रूप दिखता है, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ बहुत कम लोग हैं। पीछे बिल्कुल यहाँ पे घाट बना हुआ है, वो भी आपको बताएंगे, और यहाँ पे बहुत से यहाँ के लोकल लोग जो है उन्हें यहाँ पे आने का रास्ता मालूम है। किले से घाट तक जाने का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसी ब्रिज से हम अभी यहाँ पे आए थे। देख सकते हैं आप, आवाज़ आपको आई होगी इसकी, यहाँ पे ये यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो चलिए अब आपको और भी इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों रामनगर एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है रामलीला। यहाँ जो रामलीला होती है वो 1 महीने तक चलती है, और उसे देखने के लिए पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी भक्त आते हैं, और यह पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है कि वाराणसी में जितने भी किले हैं वो सभी सुरंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें अंदर ही अंदर एक किले से दूसरे किले में आया जा सकता है, लेकिन आज तक यह बात सामने नहीं आई है। और जो आपने मुख्य प्रवेश द्वार देखा, वहाँ तक बारिश में गंगा जी आ जाती है। दोस्तों अगर आपको पुरानी चीज़ें पसंद है और आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप वाराणसी आते तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों जब राजा इस किले में रहते हैं तो किले पर झंडा लगा होता है, और जब राजा कहीं जाते हैं तो झंडे को निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी इस किले के बारे में पूरी जानकारी। पीछे यही वाला बोर्ड है, जय जवान जय किसान, और
जो हमने अभी म्यूजियम देखा था वो उनसे ही है। और ये है शिव प्रसाद लस्सी भंडार जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ की लस्सी पीते हैं और इसके बारे में रिव्यू आपको बताते हैं कैसा है क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रोड पर बेतुका गाड़ी खड़ा ना करें, यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। शिव प्रसाद लस्सी भंडार आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है। यहाँ पे बिल्कुल सादी लस्सी मिलती है, अलग अलग फ्लेवर में यहाँ पे लस्सी उपलब्ध नहीं है। लस्सी को यहाँ पे कूलर में भरकर उस पर दही की ताजी मलाई डाली जाती है और फिर उसके ऊपर रबड़ी डालकर सर्व की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों लस्सी पीने के बाद नींद आती है ऐसा कहा जाता है। और देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी लस्सी है। यहाँ पे पानी का कोई उपयोग इसमें नहीं होता है, ना ही इसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाला जाता है। दोस्तों बनारस लस्सी के लिए फेमस है और वहाँ की सबसे अच्छी 5 लस्सी की बात करें तो उसमें इस दुकान का नाम भी आता है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका एक लाइक चाहिए, एक शेयर चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा और भी बाकी है और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं और आपको नई नई जगह ले जाते रहते हैं। यहाँ पे बैठने का व्यवस्था है। अच्छा एक बात और है कि इस लस्सी की दुकान का कलर भी ब्लू करा हुआ है, तो ब्लू लस्सी से इसको जोड़कर ना देखें आप। दोस्तों लस्सी का टेस्ट इतना अच्छा है और इसमें एक हल्का सा एसेंस ऐड है, बाकी बिल्कुल सिंपल लस्सी है ये। बिल्कुल दही की और इस पर मलाई डली हुई और जो रबड़ी यहाँ पे चलती है वो डली हुई है, अच्छा टेस्ट है। इधर आए तो यहाँ पे जरूर आए और ये लस्सी खाए, बिना ना जाए तो आपका यहाँ की यात्रा अधूरी रह जाएगी।